नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अपीयर होने जा रहे हैं फ्रेशर है या ड्रॉपर है मैटर नहीं करता है से बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टेस्ट बुकलेट का फॉर्मेट कैसे हो सकता है मॉडल टेस्ट पेपर कैसे होगा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है मैंने ये भी बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट हैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज ये सारा मैंने बताया हुआ है ओमेर सीट कैसी हो सकती है पूरा वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया तो क्या होगा ये सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है वन बाई वन तो पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो वीडियो बहुत ही प्यारा है अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों नॉर्मली जो आपका टेस्ट बुकलेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है नीट का यहाँ पे जो चेंजेस होंगे मैं बता दे रहा हूँ चेंजेस नंबर वन कि यहाँ पर थ्री आवर्स का टाइम तो ठीक है वन एटी क्वेश्चन की जगह पे टू हंड्रेड क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है दो सौ क्वेश्चन इस बार आएंगे आपके टेस्ट बुकलेट में ठीक है और बाकी सारा कुछ आपका वही रहेगा इसके अलावा नेक्स्ट पेज जो आता है वो आता है आपका डिटेल्स का इसमें आपको डिटेल्स पढ़ने सिग्नेचर्स कैंडिडेट्स नेम रोल नंबर ये सारी डिटेल्स पढ़नी है इसके बाद दोस्तों जहाँ पहला क्वेश्चन शुरू होता है मीस पहला सेक्शन शुरू होता है नॉर्मली क्या होता है देखो नॉर्मली आपका जो पेपर होता है वो किस पे डे होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ठीक है फिजिक्स के 45 लगातार पूछ लिए जाएंगे केमिस्ट्री के 45 लगातार पूछ लिए जाएंगे अब बायोलॉजी के लगातार 90 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे टोटल वन एटी क्वेश्चन हो गए लेकिन इस बार क्या होने वाला है इस बार ये होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बॉटनी और जूलॉजी ठीक है ठीक ये चार पार्ट में इस बार क्वेश्चन आएंगे फोर पार्ट में क्वेश्चन आएंगे ठीक फोर पार्ट और दो दो सेक्शन में अब कैसे आएंगे चलिए बात कर लेते हैं अब फिजिक्स का सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ फिजिक्स सेक्शन ए ठीक फिजिक्स सेक्शन ए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सेक्शन ए में थर्टी फाइव ठीक नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं कितने थर्टी फाइव अब यहाँ पे थर्टी फाइव अटैम्प्ट कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि थर्टी फाइव टोटल करने ही हैं नहीं आते तब भी थर्टी फाइव में जितने आते हो उतने ही करो ये डाउट मत रखना कि थर्टी फाइव ही करने हैं चाहे गलत ही कर दो तो, ऐसा नहीं होगा थर्टी फाइव में से जितने भी आते हैं उतने करो ये फिजिक्स सेक्शन है फिजिक्स सेक्शन है कब तक चलेगा थर्टी फाइव क्वेश्चन तक ठीक थर्टी फाइव क्वेश्चन तक फिजिक्स सेक्शन है हमारा चला ठीक थर्टी फाइव अब यहां तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया सेक्शन बी के आने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा इंस्ट्रक्शन क्या दिया रहेगा फिजिक्स लिखा रहेगा ऊपर फिजिक्स सेक्शन बी ठीक यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए रहेंगे कितने सेक्शन बी में पूछाएँगे पंद्रह और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्पटेड टेन मीन्स पंद्रह में से दस ही आपको अटैम्प्ट करने हैं तो पंद्रह में से दस आपको अटैम्प्ट करने तो छत्तीस से ले के टोटल पचास तक ये क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे मीन्स ये छत्तीस से लेके पचास तक ये पचास तक आपका ये नॉर्मली फोर्टी पे कंप्लीट हो जाता था, था फिजिक्स ठीक है फोर्टी पे कंप्लीट हो जाता था प्रीवियस ईयर नीट में लेकिन अभी फोर्टी फाइव की जगह पर फिफ्टी क्वेश्चन तक आपको पूछे जाएंगे फिफ्टी में से फोर्टी फाइव टोटल ये आपको करने हैं तो दोस्तों सेक्शन बी में पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अगर हम सेक्शन बी में पंद्रह के पंद्रह कर लें तो क्या होगा तो होगा ये कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऊपर के दस क्वेश्चन तो आपके काउंट कर लिए जाएंगे मीनस एम आर सीट में लेकिन ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये जो पांच क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा किए ये काउंट ही नहीं होंगे चाहे आपने सही किया है चाहे गलत किया है कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट बनेगा तो अगर आप अटेंड भी करते यहाँ पे आपने अगर सही भी किए हैं यहाँ दस के बाद तो आपका नहीं काउंट होगा यहाँ पे आपने अगर सही किए तो ठीक है तो इस तरह से होगा ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो काउंट भी नहीं होंगे तो फ़ायदा कुछ है नहीं टाइम आपका वेस्ट होगा अब नेक्स्ट हमारा आता है अब यहाँ पे क्या आता है हमारा बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी नॉर्मली आता था बायोलॉजी के नाइन्टी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सबसे पहले पूछा जाएगा बॉटनी बॉटनी सेक्शन ए बॉटनी सेक्शन ए में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कितने क्वेश्चन हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बॉटनी में थर्टी फाइव कितने अटैम्प्ट करने हैं थर्टी फाइव आप अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ये बॉटी का सेक्शन हो गया ठीक है बॉटी के सेक्शन के थर्टी फाइव क्वेश्चन के बाद बॉटी का सेक्शन बी आएगा बॉटी का सेक्शन बी आएगा उससे पहले आपको बॉटनी सेक्शन बी करके ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सेक्शन बी में फिफ्टीन कितने अटैम्प्ट करने हैं टेन ठीक है यहाँ पे ये दिया कि उसके बाद नीचे आपके पंद्रह क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं कि सारा घचपच इसी में कर देंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा जूलॉजी जूलॉजी सेक्शन ए जूलॉजी सेक्शन ए जूलॉजी सेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे थर्टी फाइव अटैम्प्ट कितने है? करने हैं थर्टी फाइव थर्टी फाइव आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद थर्टी फाइव क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपके आएंगे टोटल जूलॉजी का सेक्शन बी जूलॉजी का सेक्शन भी आएगा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे रहेंगे कितने हैं फिफ्टीन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने कर सकते हैं टेन यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा एक पेज इंस्ट्रक्शन का होगा सेक्शन बी किसी भी एग्ज़ाम का कंप्लीट होने से पहले में किसी भी सेक्शन का कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन जब आएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपको कि आप इतने क्वेश्चन करिए आप अगर ज़्यादा करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी तो इस तरह से दोस्तों कुछ आपका पेपर हो सकता है इस बार नीट का क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज है तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि जो आपकी नीट बुकलेट हो वो भी सेक्स मीन्स नीट की जो एम आर सीट हो वो भी सेक्शन वाइज हो या फिर वो फिर इस तरह से डिजाइन होगी कि लगातार क्वेश्चंस आपके किए जा सके मीन चेक किए जा सके या तो फिर इसको भी ओ एम सीट को भी चार सेक्शन में डिवाइड कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी ये तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे लेकिन जो दो दो सेक्शन में है वो भी डिवाइड किया जा सकता है तो कुछ इस तरह से चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से ओ एम सीट हो सकती है नॉर्मली दोस्तों जो उमेर सीट होती है वो इस तरह से होती है आपकी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आ, आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बॉटनी और ज़ुलोजी, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बॉटनी और ज़ुलोजी लेकिन ये है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट है मीन्स नॉर्मली आपके जो टेस्ट बुकलेट आती थी वो 180 एटी की आती थी 180 एटी की लेकिन अब ये वन एडी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे यहाँ पे टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन हो जाएंगे टू हंड्रेड क्वेश्चनस और हो सकता है इसको सेक्शन में डिवाइड कर दें हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी इनको सेक्शन में डिवाइड कर दें इसको सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन ए जहाँ तक कम्प्लीट हुआ उसके बाद सेक्शन बी फिजिक्स का फिर केमिस्ट्री का सेक्शन ए फिर केमिस्ट्री का सेक्शन बी कुछ इस तरह से हो सकता है या फिर लगातार भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि लगातार पचास क्वेश्चन के दे दिए मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फिफ्टी क्वेश्चन फ़िजिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री के फिफ्टी बॉट्टी के फिफ्टी और जूलॉजी के फिफ्टी मीस टोटल टू ऐसा भी लगातार ये दे सकते हैं या फिर वो एम सीट को भी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है तो इस तरह से कुछ आपकी ओ एम आर सीट भी हो सकती है दैट्स ऑल